नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। उत्तरी गजा में इसराइल ने और तेज किया सैन्य अभियान। इजरायली हवाई हमलों में भीषण तबाही, 88 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने ईरान को फिर दी चेतावनी, कहा हमला किया तो करेंगे जोरदार पलटवार। रूस ने किया परमाणु मिसाइल दागने का अभ्यास। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद की मॉनिटरिंग। करीब 2.5 साल से यूक्रेन के साथ जारी है जंग। अमेरिका बोला एलएसी पर तनाव कम करने में हमारी भूमिका नहीं। भारत चीन के बीच 21 अक्टूबर को हुआ था समझौता। चीन के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा ताइवान, अमेरिका से खरीदेगा 1000 अटैक ड्रोन्स। कमला हैरिस ने जनता से की भावुक अपील, कहा ट्रंप मानसिक तौर पर अस्थिर और बदला लेने के लिए उतावले। कनाडाई मंत्री का आरोप, खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे अमित शाह। सिक्योरिटी कमेटी को दिया बयान, इंडिया कनाडा मीटिंग की जानकारी लीक करने की बात मानी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स निजी दौरे पर पहुंचे बेंगलुरु, 3 दिन से योग थेरेपी सेशन में ले रहे हिस्सा। ताजपोशी के बाद ये पहली भारत यात्रा। और अब आज की बड़ी खबर, 1 साल पहले शुरू हुआ इसराइल का युद्ध अब और ज्यादा व्यापक हो गया है और इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है। अक्टूबर 2023 में गजा से शुरू हुई जंग अब लेबनान तक फैल चुकी है और ईरान के साथ भी तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इसराइल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोटरिच ने कहा था कि हालांकि इसराइल की अर्थव्यवस्था दबाव में है, लेकिन ये लचीली है। लेबनान की राजधानी बैरूत में इसराइली हवाई हमलों में हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला की मौत के एक दिन बाद 28 सितंबर को स्मोटरिच ने कहा था कि इसराइल की अर्थव्यवस्था देश के इतिहास में सबसे लंबे और सबसे महंगे युद्ध का बोझ उठा रही है, जिससे ये आशंका बढ़ गई है कि आतंकवादी समूह के साथ तनाव एक पूर्ण संघर्ष में बदल जाएगा। इजरायली अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था है जो आज भी निवेश को आकर्षित करती है। 7 अक्टूबर को हमास के घातक हमले के लगभग 1 साल बाद इजरायल कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी आक्रमण शुरू करना, गजा और बैरूत में हवाई हमले करना और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बदला लेना और अब ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा भी है। जैसे जैसे संघर्ष व्यापक इलाके में फैलेगा, वैसे वैसे इसराइल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के लिए आर्थिक लागत भी बढ़ती जाएगी। पिछले 1 साल में इसराइल गजा और साउथ लेबनान में इसराइल अपने हजारों सैनिक भेज चुका है, वहां अपने दुश्मनों पर हजारों हवाई हमले कर चुका है और इसके साथ ही अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट करने में भी लाखों डॉलर खर्च कर चुका है। इजरायली सरकार ने अनुमान लगाया है कि हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ जारी जंग की लागत 60 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। इस युद्ध ने पहले ही इजरायल की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इजरायल का लेबनान पर बमबारी करना, दक्षिणी लेबनान में सैनिकों की मौजूदगी को बढ़ाना, ईरान के हमलों के जवाब में वहां हवाई हमले करना इस जंग की लागत को और बढ़ाता रहेगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिलिट्री ऑपरेशन की लागत 200 बिलियन से 250 बिलियन शेकेल यानी 55 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर के बीच आ सकती है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर ये जंग 2025 तक जारी रहती है तो मोटे तौर पर इसकी अनुमानित लागत 350 बिलियन शेकेल्स यानी 93 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। ये इसराइल के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6ठा हिस्सा है, जो तकरीबन 2 ट्रिलियन शेकेल्स यानी 530 बिलियन डॉलर के करीब है। अब सवाल ये उठता है कि इसराइल इस जंग के लिए रकम कैसे जुटा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज पर इजरायली सरकार के बॉन्ड ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। बैंक ऑफ इसराइल ने सरकारी बॉन्ड्स की बिक्री को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसा युद्ध के लिए पैसा जुटाने के लिए किया जा रहा है। बैंक ने मार्च 2024 में एक इशू के बॉन्ड की बिक्री से 8 बिलियन डॉलर की रकम जुटाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा इसराइल अपने बॉन्ड्स
इसराइल और विदेश में मौजूद कर्ज देने वाले लोगों को बेच रहा है। इनमें इसराइल के बाहर यहूदी लोगों को बेचे जा रहे डायस्पोरा बॉन्ड भी शामिल हैं। बैंक के मुताबिक सिर्फ 8.4% बॉन्ड विदेशों में रखे गए थे, जबकि सितंबर 2023 में ये आंकड़ा 14.4% था। इसके बाद अक्टूबर के महीने में इसराइल की हमास के साथ जंग शुरू हुई थी। ऐसे में तीन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडी, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अगस्त 2024 की शुरुआत से इजरायली सरकार के कर्ज को लेकर रेटिंग घटा दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल सरकार जंग के खर्च को देखते हुए टैक्स बढ़ा सकती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार बजट के घाटे को कम करने के लिए 37 बिलियन शेकेल्स यानी 9.9 बिलियन डॉलर के बजट में कटौती करने के साथ ही टैक्स बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि इस कदम से सरकार की कुछ योजनाओं को लेबर यूनियंस और सरकार के कुछ सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कई अर्थशास्त्रियों ने सरकार से ये अपील की है कि 2025 को लेकर बजट पेश करें, इसमें बढ़ते हुए सैन्य खर्च का एक निश्चित सेट भी बताया जाए। इसराइल की अर्थव्यवस्था अक्टूबर 2023 तक मजबूती से बढ़ रही थी, मगर युद्ध की शुरुआत के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस पूरे साल में इसराइल की जीडीपी में 0.1% की कमी आई है। वहीं बैंक ऑफ इसराइल का अनुमान है कि 2024 में इसराइल की अर्थव्यवस्था केवल 0.5% की दर से बढ़ेगी। ये उस अनुमान से भी ज़्यादा ख़राब है जो बैंक ऑफ इसराइल ने जुलाई में लगाया था। तब इस बैंक ने कहा था कि इसराइल की अर्थव्यवस्था 2024 में 1.5% की दर से बढ़ेगी। इस एक साल में इसराइल में कई फर्म्स ने स्टाफ में कटौती की है। इसकी वजह हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस का 3,60,000 रिजर्विस्टों यानी सैन्य आरक्षित बल के सदस्यों को बुलाना है। इजरायल में इन दिनों मजदूरों की कमी हो गई है। इजरायल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि फिलिस्तीनी मजदूरों की एंट्री अब इजरायल में बंद कर दी गई है। सरकार ने गजा और वेस्ट बैंक से लगभग 2,20,000 फिलिस्तीनियों के इसराइल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। ये लोग यहाँ काम करने आते थे, मगर सुरक्षा कारणों के चलते अब इनका प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 80,000 फिलिस्तीनी लोग काम किया करते थे। इनकी जगह भारत, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान से हजारों मजदूरों को अब लाया जा रहा है। लेकिन युद्ध के दौरान इजरायली अर्थव्यवस्था में आई मंदी के बीच विशेषज्ञों को उम्मीद है कि हो सकता है कि इजरायल को इससे उबरने में ज़्यादा समय लगे, लेकिन एक बार जंग खत्म हो जाए तो अर्थव्यवस्था मजबूत ढंग से वापसी करेगी। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर अब बदलने लगी है। रूसी सेना ने मंगलवार को पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। ओपन सोर्स डेटा से संकेत मिलता है कि रूसी सेना एक साल में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि रूसी सेना के अभियान में आई तेजी युद्ध में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के शामिल होने के बाद आई है। रूसी मीडिया समूह एजेंसवो ने यूक्रेनी ओपन सोर्स मैप का विश्लेषण करके ये जानकारी दी है कि रूस ने 20 से 27 अक्टूबर के बीच एक हफ्ते में ही यूक्रेन के 196.1 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया, जो शायद इस जंग की शुरुआत से सबसे तेज रफ्तार की प्रगति है। रूस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस यूक्रेन के बीच 32 महीनों से जारी जंग अब अपने सबसे ज़्यादा खतरनाक चरण में पहुँच चुकी है। मॉस्को की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और उनकी मदद के लिए नॉर्थ कोरिया सैनिक भेज रहा है, तो वहीं यूक्रेन के सहयोगी जंग को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। रूस का कहना है कि उसकी सेना ने सेलिदोव टाउन पर कब्जा कर लिया है। युद्ध से पहले इस शहर की आबादी करीब 20,000 थी। वहीं रूसी सेना ने बीते एक हफ्ते से सेलिदोव पर हमले तेज कर दिए थे।
रूस के रक्षा मंत्री एंद्रेई बेलुसोव ने रूस की 114वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड को हिरनैक इलाके पर कब्जे के लिए बधाई दी है। युद्ध से पहले इसकी आबादी 10,000 थी और ये सेलिदोव से 12 किलोमीटर दूर है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने रूस के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यूक्रेन के डीप स्टेट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मैप सेलिदोव को रूस के नियंत्रण में दिखा रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने बताया है कि पोक्रोस्क फ्रंट पर बीते 24 घंटे में 31 झड़पें हुई हैं। युद्ध समर्थक रूसी ब्लॉगर्स का कहना है कि मॉस्को की सेना ने दक्षिणी डोनबास समेत कई प्रमुख स्थलों पर यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है। रूसी सेना कुराखोव शहर को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है, साथ ही पोक्रोस्क पर भी हमले की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में रूसी सेना को यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश दिया था। ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक मार्च 2022 के बाद सितंबर में रूसी सेना यूक्रेनी इलाकों में कब्जे के लिए सबसे तेजी से आगे बढ़ी है, जबकि अगस्त के पहले हफ्ते में ही यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला करके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। वहीं 20 से 27 अक्टूबर के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन में जारी अपने अभियान में और तेजी दिखाई है। रूसी सेना इस एक हफ्ते में यूक्रेन के 196.1 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने में कामयाब रही है। रूसी मीडिया समूह एजेंसवो के मुताबिक रूसी सेना ने इस एक हफ्ते में जो तेजी दिखाई है वो इस साल की शुरुआत से सबसे ज्यादा है। एजेंसवो का कहना है कि उसने यूक्रेन के डीप स्टेट डेटा का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाला है। साथ ही उसका कहना है कि रूस के कुर्स्क इलाके में सैनिक भेजने के कीव के फैसले से डोनबास में यूक्रेनी डिफेंस कमजोर हुआ है। अमेरिका, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ कोरिया जंग में रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन और उसके सहयोगियों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने रूस को न सिर्फ हथियार दिए हैं बल्कि अपने हजारों सैनिक भेजे हैं। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए 10,000 सैनिक रूस भेजे हैं। वहीं नाटो ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक पहले से ही कुर्स्क इलाके में तैनात किए जा चुके हैं। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।